अस्पताल में हुई करोड़ों रुपए की अनियमितता के मामले में आरोपी बनाए गए डॉक्टर पुनीत गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर उसी याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें गुप्ता को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध किया गया था। हालांकि कोर्ट ने डॉक्टर पुनीत गुप्ता को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। बता दें डीकेएस अस्पताल में मशीन खरीदी और भर्ती में अनियमितता की शिकायत के बाद 3 सदस्यीय एक कमेटी ने मामले की जांच की थी। जांच में तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ लगभग 50 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद डीकेएस अस्पताल के तत्कालीन अध्यक्ष के सहारी की शिकायत पर गोलबाजार थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।